नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त खान भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद खान चैनल। साथियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे जहां लंबे समय से हमारे पुराने शिक्षक संवर्ग के जितने भी शिक्षक साथी हैं प्रमोशन की मांग कर रहे हैं, साथ में उनका कहना है कि उच्च पदों पर भर्ती के द्वारा पद भरे जा रहे हैं और उनको प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, जबकि उनके सेवा काल में अभी तक एक भी प्रमोशन नहीं मिला है। यही दरकार है नए शैक्षणिक संवर्ग की, उनका भी प्रमोशन लंबे समय से रुका हुआ है। तो साथियों, एक बड़ी खबर है मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग से, साथ में अति शेष के दौरान भी ग्रामीण क्षेत्रों में इन शिक्षकों को भेजा जा रहा है। तो पुराने शिक्षक के जितने भी शिक्षक साथी हैं उनकी कहना है कि हमारे सेवा काल के दौरान हमने बहुत सारे बच्चों के भविष्य को गढ़ा है और इसके बाद भी हमें ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जा रहा है, जबकि सरकार का स्पष्टीकरण कुछ और है। तो साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम कवर करेंगे इस प्रमोशन से रिलेटेड और साथ में अतिशय से संबंधित लेटेस्ट अपडेट। आप इसी प्रकार से शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट की हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। साथियों, अब हम इस खबर को डिटेल में जानते हैं। जैसा कि एक खबर निकल करके आ रही, शिक्षक बोले बच्चों का भविष्य बनाने में निकला है जीवन, नहीं मिला है प्रमोशन। शिक्षकों का कहना है कि प्रमोशन की बजाय उच्च पदों पर हो रही है भर्तियां। राज न्यूज नेटवर्क के माध्यम से इस खबर को साथियों हम प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसा कि खबर निकल करके आ रही, सरकारी स्कूल में पुराने संवर्ग के शिक्षकों को ग्रामों में भेजने की तैयारी पर बवाल मचा हुआ है। विभाग इन्हें अतिशेष चिन्हित कर यह प्रक्रिया अपनाने जा रही है। इधर इन शिक्षकों का कहना है कि बच्चों का भविष्य बनाने में पूरा जीवन निकाल दिया है, लेकिन सेवा काल में एक भी प्रमोशन नहीं मिल पाया है। बिना सुविधाओं के यह टीचर रिटायर्ड हो रहे हैं, तो दूसरी ओर अनेक प्रताड़नाएं दी जा रही हैं। मध्य प्रदेश समाज शिक्षा अभियान संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र दुबे का कहना है कि प्रदेश में पुराने शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों के साथ विभाग के अधिकारी न्याय नहीं कर रहे हैं। शिक्षक लंबे समय से वेतन विसंगति, क्रमोन्नति योजना विसंगति से जूझ रहे हैं। वहीं प्रदेश में निरंतर सेवानिवृत्ति होती जा रही है, अर्जित अवकाश का नकदीकरण के लाभ से वंचित किया जा रहा है। वहीं धारा 49 के फेर में सेवानिवृत्त शिक्षकों की DR का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं दिवंगत शिक्षकों के परिजनों को अनुकंपा की दर दर भटकने के लिए विवश हैं। वहीं पिछले 4 साल से शिक्षक प्रभावित कर्मचारी स्वास्थ्य जीवन बीमा योजना से लाभ से वंचित हैं। वहीं 25 से 40 साल के सेवा में के बावजूद पुराने संवर्ग के शिक्षक बिना पदोन्नति के निरंतर सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं। प्रदेश ने वहीं पिछले 5 साल से प्रमोशन से वंचित शिक्षकों की पदोन्नति के एवज में प्राप्त वेतन योग्यता के अनुसार पदोन्नति के पदनाम देने की घोषणा की थी, जिस पर कोई भी वित्तीय भार नहीं आना था। दुबे का आरोप है कि अधिकारियों के द्वारा गुमराह किए जाने के चलते मुख्यमंत्री की घोषणा का पालन नहीं किया जा रहा है। न शिक्षकों को पदनाम मिला, न पदोन्नति दी गई, जबकि उच्च पद पर निरंतर पदोन्नति जारी है। 1998 से निरंतर उच्च पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। भर्ती के अनुपात में पुराने संवर्ग के शिक्षक पदोन्नति 1% भी नहीं हुई है। इतना ही नहीं है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी में पुराने संवर्ग के शिक्षकों के अतिशेष दर्शित दूरस्थ स्कूलों में फेंकने की तैयारी की जा रही है, जबकि यह शिक्षक सालों से बच्चों का सुनहरा भविष्य बना रहे हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि जो नियम है उसके तहत अतिशेष को ग्रामों में शिक्षक विहीन शालाओं में हर हाल में भेजा जाएगा, चाहे वह किसी भी संवर्ग के शिक्षक हो। तो साथियों, यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है सरप्लस शिक्षकों की। सरप्लस शिक्षकों का जहाँ रूल्स आया है कि जो शिक्षक का सेवा काल उस स्कूल में सबसे अधिक है या उनकी नियुक्ति दिनांक से उनकी वरिष्ठता मानी जाती है, जहाँ देखा गया है ट्रांसफ़र और सरप्लस में नियम थोड़े से चेंज हो जाते हैं। इसमें नियुक्ति दिनांक से ट्रांसफ़र में वरीयता दी जाती है और साथ में सरप्लस में भी नियुक्ति दिनांक से वरीयता दी जाती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पुराने शिक्षक साथी इसमें सरप्लस में अधिक आ रहे हैं, इसलिए इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जा रहा है, सरकार का यह नियम है। साथ में लंबे समय से हमारे पुराने शिक्षक साथी बिना प्रमोशन के रिटायर्ड हो रहे हैं, तो ये सरकार के सामने एक जायज मांग है और शीघ्र ही इन्हें प्रमोशन या पदनाम दिया जाना चाहिए मध्य प्रदेश के शिक्षक संवर्ग के जितने भी शिक्षक हैं उनके लिए। और साथियों, इसी प्रकार से देखा गया है कि 50% पदों पर नई भर्ती होना चाहिए और उतने ही पदों पर प्रमोशन दिया जाना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार
लगभग सभी पदों पर भर्ती नए पदों से पर भर्ती की जा रही है। प्रमोशन के लिए पद रिक्त रखे ही नहीं गए हैं, जबकि उतने ही पदों पर प्रमोशन दिया जाना चाहिए था। तो साथियों, एक बड़ी खबर है मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग से। इसी प्रकार से शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।